नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण के भवनों के निर्माण की स्थिति की जानकारी लेने के लिए ग्राम जमुना देवा नगर पंचायत जंगीपुर का शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधितों से कार्य के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि बजट के अभाव में कार्य बंद है। मालूम हो कि योजना 2010-11 में स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत 40 भवनों की छत तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन भवनों में फर्श, आंतरिक बाह्य पेंटिंग, पेयजल, आंतरिक शीवर, नाली, विद्युतीकरण एवं दरवाजा खिड़की का कार्य शेष है। गौरतलब है कि इसके पूर्व कल बीते गुरुवार को जिलाधिकारी ने सशना विकास खंड सादात में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया था। इस दौरान समस्त भवनों की छतें ढालकर प्लास्टर स्तर तक कार्य पूर्ण पाया गया था। भवन के बेडरूम व लिविंग रूम की फर्श का भी कार्य पूर्ण मिला। इन भवनों में शौचालय, बाथरूम व किचन में फर्श का कार्य, आंतरिक व बाह्य पेंटिंग, सीवर एवं विद्युतीकरण का कार्य शेष मिला। निरीक्षण के समय मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित उप जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व एवं मनिहारी ब्लॉक प्रभारी सुधीर सिंह और ब्लॉक पदाधिकारियों की उपस्थिति में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं संजय राउत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से एक नारी जाति का अपमान इन लोगों ने किया है और बीएमसी की आड़ में जिस तरह से कंगना रनौत का दफ्तर जो उनके लिए मंदिर था उसको तोड़ा गया है, ये बहुत ही घटिया कायराना हरकत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कहा कि दाऊद की कई ऐसी इमारतें और संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, जिससे ये लोग चंदे के रूप में मोटी रकम लेकर अपनी पार्टियों को चलाने का कार्य भी करते हैं। आज उनको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रही, उसको नहीं तोड़ रहे, क्योंकि उनके द्वारा दिया हुआ चंदा ही इनकी कमाई का जरिया है। पुतला फूंकने वालों में सुमित सिंह, मनिहारी, शिवम सिंह राजपूत, अंकित सिंह, पवन सिंह, आकाश सिंह, जुगनू सिंह आदि शामिल थे। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान के अध्यक्ष भयंकर सिंह यादव और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह चंचल ने फुल्लनपुर में स्थित एक पैलेस में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिला प्रशासन की तरफ से ग्राम प्रधानों के क्षेत्र में कोई छिड़काव नहीं हुआ है और न ही मास्क का वितरण किया गया है। ग्राम प्रधानों ने अपना पैसा खर्च कर छिड़काव और मास्क का वितरण कराया है, इसकी जांच होनी चाहिए। घोटाला अधिकारी करते हैं और आरोप ग्राम प्रधानों पर लगाया जाता है। अधिकारी जब चाहते हैं प्रधानों की जांच बैठा देते हैं, लेकिन हम लोगों की शिकायत पर उक्त अधिकारियों की जांच नहीं होती, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर महासचिव शमीम सिद्दीकी, संजय राय मंटू, मदन यादव, दारा यादव, रमेश यादव, राम बचन यादव, आकाश यादव आदि ग्राम प्रधान उपस्थित थे। नंदगंज थाना क्षेत्र के बनगावा मोड़ के समीप गुरुवार की देर रात अज्ञात वाहन की जद में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि सवार दूसरा युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घायल युवक को उपचार के लिए वाराणसी ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के श्रीगंज निवासी चंद्रिका बिंद का पुत्र गोविंदा 25 अपने साथी राम नारायण उम्र 22 के साथ बाइक से कहीं गया था, देर रात घर लौट रहा था। इसी दौरान बनगावा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की जद में आने से गोविंदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी राम नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। इस दुर्घटना से घर में कोहराम मच गया है। पिता, माँ रुक्मीना देवी सहित परिवार के अन्य सदस्य दहाड़े मारकर चीख पुकार करने लगे। मालूम हो कि मृतक गोविंदा माता पिता का इकलौता पुत्र था। 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। गोविंदा पिता के साथ मजदूरी कर परिवार चलाने में हाथ बटाता था। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुल्लापुर थाना पुलिस ने गुरुवार की रात अलग अलग स्थानों से 2 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक तमंचा और गांजा बरामद किया। इस संबंध में थाना प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्र ने रात में जलालाबाद अंबेडकर चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान करीब 10 बजे एक युवक आता दिखाई दिया। संदेह होने पर उसे रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि उक्त युवक हरदासपुर कला गांव निवासी टॉप 10 अपराधी राकेश सिंह है। इसी बीच उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ यादव और हेड कांस्टेबल सौरभ पटेल छपरी गश्त से लौटने के दौरान रात करीब 9 बजे आशा पीजी कॉलेज
सिखड़ी के पास से टॉप 10 अपराधी मनोज कुमार सिंह निवासी हरदासपुर कला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उसके पास से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्तों के खिलाफ आजमगढ़ मऊ जीआरपी में आपराधिक मामले दर्ज हैं। संबंधित धाराओं में उनका चालान कर जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।